सो ही गाजर कैसे हो, वेलकम बैक मैन अदर न्यूड। तो भाई आपका गया फिर से न्यूड के साथ। तो गाजर कैसे हो, आई होप सभी लोग आप अच्छे होंगे। तो फाइनली गाजर बात करने वाले काफी सारे इंटरेस्टिंग अपडेट एंड गाजर रिफंड के बारे में। तो पता है काफी सारे अपडेट आने वाले हमारे गेम के अंदर। फ्री फायर तो बैन है, लेकिन यार फ्री फायर मैक्स जो है हमारा प्रॉपर्ली पट कर रहा है, जिसमें आपसे को जल्द ही काफी सारे और भी देखने को मिलने वाला है, जिसके बारे में हम लोग वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। आज जो है फ्री फायर मैक्स भी थोड़े टाइम के लिए सर्वर डाउन पे गया था। तो आप लोग देख सकते हो, अगर आप लोग गेम को ओपन कर रहे थे तो भाई थोड़े टाइम के लिए आप सभी सामने कुछ इस प्रकार का पॉपअप आ रहा था। अब यार इसके भी डिटेल्स आप लोग को वीडियो के अंदर मिलने वाला है, क्या फ्री फायर मैक्स भी बैन होने वाला है या फिर क्या रीजन था जिसकी वजह से ऐसा हुआ था। साथ ही अगर बात करने वाले आने वाले फरवरी मंथ के मिस्ट्रो के बारे में डिटेल्स आप लोग को मिलने वाला है। साथ ही बात करने वाले एसएसएन क्रिएटर का इवेंट जल्दी हमारे गेम के अंदर स्टार्ट होने वाला है, जिसके बारे में एंड और भी काफी सारे इवेंट है जिसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही अगर इस चैनल पर न्यू आ रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पर सेट कर रख लीजिएगा। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करें। देन यार सबसे पहले वेलकम बैक अगेन। तो बात करते हैं काफी सारे इंटरेस्टिंग अपडेट एंड गाइस इवेंट के बारे में। देन यार सबसे पहले हमें बात करते हैं, आज आप सभी को फ्री फायर मैक्स के अंदर थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आ रहा था। आप लोग जब भी गेम को ओपन कर रहे थे आपके सामने कुछ इस प्रकार का पॉपअप हो रहा था, लेकिन यार आप लोग को पता होगा ये जो प्रॉब्लम है सिर्फ फ्री फायर मैक्स के अंदर आ रहा है। एंड यार इसके लेकर भी आप सभी का कॉमेंट काफी ज्यादा आने लगा कि भाई ये क्या प्रॉब्लम है, क्या फ्री फायर मैक्स बैन हो चुका है। देखा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ये जो प्रॉब्लम है पहले भी काफी पहले हुआ था। 2 से 3 महीने पहले मैंने आप लोग वीडियो के अंदर बताया था ऐसा प्रॉब्लम आप लोग को फ्री फायर मैक्स के अंदर देखने मिला था। अभी अगर आप लोग गेम में जाने हो तो भाई गेम आप लोग प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। यार बात करें फ्री फायर के बारे में तो भाई यार फ्री फायर भी अच्छी तरह से वर्क कर रहा है, दोनों का सर्वर जो है करंटली अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। तो भाई देखो कुछ भी ऐसी दिक्कत नहीं है, मैंने आप लोग को ऑलरेडी काफी सारे डिटेल्स दिया है इसके बारे में। बात करें फ्री फायर के बारे में तो भाई फ्री फायर ब्लॉक हुआ है, ना कि बैन किया गया है। तो भाई थोड़े टाइम के बाद आप लोग को सारे चीज ठीक से देखने मिल जाएंगे। सर्वर के रीजन से बैन नहीं हुआ है, जो शेयर्स है जिसके कारण बैन किया गया है, टेंसेंट का जो शेयर्स है जिसके रीजन से बैन किया गया है। तो भाई सर्वर में अगर प्रॉब्लम आप लोग को देखने मिलता तो भाई काफी पहले ही हमारा गेम बैन हो चुका है। इसलिए गाइस डोंट वरी, अब यहाँ पे अपडेट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। भाई यार काफी ज्यादा हो गया है बैन बैन बैन। तो भाई बैन के बारे में हम लोग यहाँ पे बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि फ्री फायर मैक्स जो ऑलरेडी हम लोग का दे दिया गया है प्रॉपर्ली वर्क भी कर रहा है। हम सभी लोग बात करने वाले आने वाले कुछ अपडेट के बारे में। तो जैसा कि पता है एसएसएन क्रेडिट का इवेंट आने वाला है हमारे 22 तारीख से गेम के अंदर। इवेंट के बारे में तो बात नहीं करने वाले हैं, लेकिन यार जितने सारे शेड्यूल्ड इवेंट है, जो कोलैबोरेशन इवेंट है, ये सारे इवेंट आप लोग को हमारे गेम में देखने को मिलने वाले हैं। कोई एक्स्ट्रा इवेंट आप लोग को देखने को नहीं मिलने वाला, जैसे कि एफएफआईसी का टूर्नामेंट था वो उसे कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन यार हमारे इन गेम जितने सारे इवेंट है आप लोग को वैसे ही सारे शेड्यूल से देखने को मिलने वाला है। भाई यार इवेंट जो है आप लोग को 22 तारीख से हमारे गेम में स्टार्ट हो जाएगा एसएसएन क्रिएट का इवेंट। देखो आज जो न्यू इवेंट डाला गया है जिसके बारे में ज्यादा मैं कंफर्म हो चुका हूँ कि आपसे को न्यू इवेंट हमारे गेम में फिलहाल देखने को मिलने वाला है। अगर नहीं देना रहता तो भाई जो वीवो हमारा आने वाला फार्मर जिसका भी डेट अनाउंसमेंट कर दिया गया है फ्री फायर की तरफ से। एंड यार देखो लोग जो है काफी कम टॉपअप कर रहे हैं। भाई यार इसलिए ही जो वीवो फार्मर आने वाला है लिटरली काफी टाइम के लिए रहने वाला है। भाई यार 9 फरवरी को आने वाला वीवो फार्मर हमारे गेम के अंदर। ये जो फेडरल मिला है 20 मार्च तक रहने वाला है। भाई यार इतना बड़ा वाला फेडरल मिल तो आप लोग को कभी देखने को नहीं मिला होगा हमारे गेम के अंदर। पता है इसका सबसे बड़ा रीजन है कि लोग जो है डरे हुए हैं, टॉपअप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई गेम वगैरह बैन हो जाएगा जिसके बाद उनके पैसे भी लग जाएंगे। इसके कारण ही गनेरा सोच समझ कर ये सारी इवेंट को इतने लॉन्ग टाइम के लिए डाल रहा है। भाई आप लोग गन में काफी ज्यादा उनका भी पैसा लगा हुआ है जिसके कारण लोग उस गन को परचेस कर पाए। अब यार बैन होना होता तो भाई ऑलरेडी ये सारी इवेंट गनेरा नहीं डालने वाला था। यहाँ पे बात करें फ्री फायर मैक्स के बारे में तो ऑलरेडी मैंने आप लोग को बता रखा है कि भाई फ्री फायर मैक्स हमारा बैन नहीं होने वाला। बात करें फ्री फायर के बारे में तो जिनके पास भी फ्री फायर है भाई प्रॉपर्ली वर्क करने वाला है, क्योंकि सर्वर उसका ब्लॉक नहीं होने वाला तो भाई फ्री फायर भी वर्क करने वाला। बस यार यहाँ पे प्ले स्टोर पे आप लोगों को देख लिया नहीं मिलने वाला, जिसके कारण आप लोग वहाँ पे टॉपअप नहीं कर पाओगे, क्योंकि करेंसी जो है एक्सचेंज नहीं होने वाला, जिसके कारण टॉपअप करने में आप लोग को दिक्कत आएगी। फिर हमारा जो फ्री फायर मैक्स है वो प्रॉपर्ली वर्क करने वाला है। बात करने भाई जो फेडरल बिल आने वाला जिसके बारे में, और फेडरल बिल जो आने वाला है हमारा ईवो फार्मर्स का, जिसमें आप लोग को जोमी सोमराय बंडल भी देखने मिलने वाला है। तो इसलिए आप लोग काफी ज्यादा पूछ रहे थे कि भाई हमारा जोमी सोमराय बंडल रिटर्न में आ सकता है। देखो चांसेस तो काफी ज्यादा हाई है रिटर्न में आने के, क्योंकि देखो गिरना जो इतना ज्यादा लॉस में गया है जिसके कारण तो कुछ प्रॉफिट निकालने ही वाला है। बैलेंस करने के लिए फ्री फायर के अंदर आप लोग को अच्छे अच्छे इवेंट आने वाले हैं, आई मीन गाजर फ्री फायर मैक्स के अंदर आने वाले अचीवमेंट। केरना की तरफ से जोमी सोमराय बंडल के बारे में तो अब तक डेट कंफर्म नहीं है, जब तक फिर हमारा बैन हुआ था उस टाइम भी डेट कंफर्म नहीं था। देन यार अभी भी डेट कंफर्म नहीं है जोमी सोमराय बंडल को लेकर। यहाँ पे बात करें तो भाई ट्रेलर में आप लोग को दिखाया गया है, तो मुझे ऐसा ज्यादा चांसेस लग रहा है कि आप लोग को जोमी सोमराय बंडल रिटर्न में डाला जाएगा। उस टाइम पहले तक मैंने आप लोग को बता रखा था कि फरवरी के मध्य में ही आप लोग को जोमी सोमराय बंडल रिटर्न में देखने मिल सकता है, लेकिन यार फेडरल बेस जो है इतने टाइम के लिए डाला गया हमारे ईवो फार्मर्स, जिसके कारण अगर जोमी सोमराय बंडल रिटर्न में डाला भी जाता तो आप लोग को मार्च के मध्य में डाला जाएगा किसी बेब इवेंट के अंदर। अगर इसके रीजन के बारे में आप लोग को बता दूं तो पता है टॉप इवेंट जो है 3 मार्च तक रखा गया है हमारे गेम के अंदर। इतना बड़ा वाला टॉप इवेंट डालने का रीजन यह है कि भाई सबसे बड़ा रीजन तो भाई टॉप अप नहीं कर रहे हैं, काफी सारे लोग डरे हुए हैं जिसके कारण। दूसरा रीजन यह है कि भाई उतने टाइम तक बैकअप भी हो जाएगा। एंड यार फिर फायर कुछ सोच कर ही इतना बड़ा वाला टॉप इवेंट हम लोग को डाला है, क्योंकि भाई यार इसके बाद जो टॉप इवेंट आने वाला था जिसका भी डेट कंफर्म हो चुका था, यार जो लीक्स है वो भी आ चुके थे। इसके बाद आप लोग को ग्लोबल के लिए टॉप इवेंट हमारे गेम में देखने को मिलने वाला है। यार इसके कारण ही आप लोग को जो जितने सारे बंडल के लिए आप लोग वेट कर रहे हो, शायद से आप लोग को मार्च के मंथ में देखने को
मिलने वाला है। अभी यार बात करें कुछ और भी अपडेट के बारे में, तो भाई आप लोग पूछ रहे थे कि क्या इलाट पर डिस्काउंट भी इस मंथ डाला जाएगा या मीन का मिस्ट्रॉप इस मंथ देखने मिल सकता है। तो पहले देखो सिंपल में आप लोग अगर बताऊं तो अगर आप लोग को मिस्ट्रॉप डाला जाएगा तो इस मंथ एसेसन क्रेडिट से रिलेटेड मिस्ट्रॉप आने वाला है। देन यार बात करें तो अगर एसेसन क्रेडिट का इवेंट हमारे गेम में डाला जाता है, इक्कीस फरवरी को स्क्वाड बीट इवेंट इन होने वाला है। देन यार इसके बाद आप लोग को एसेसन क्रेडिट कन्फर्म देखने मिलने वाला हमारे गेम में। देखो फ्री फायर मैक्स में आप लोग को सारे वैसे इवेंट देखने मिलने वाला है। रीजन ये है कि भाई कोलैबोरेशन काफी पहले हो चुका है फ्री फायर एसेसन क्रेडिट गेम के साथ, तो भाई इसके लिए तो आप लोग को कन्फर्म इवेंट आने ही वाला है। अगर इवेंट आने वाला है तो भाई कन्फर्म आप लोग को मिस्ट्रॉप भी डाला जाएगा। मिस्ट्रॉप आप लोग देख लीजिए जो आप लोग को इस मंथ हमारे गेम में डालने वाला है। गिरना देखो मिस्ट्रॉप का भी टीयर जो है आप लोग को ज्यादा देखने मिलने वाला है क्योंकि टॉप अप काफी कम लोग करने वाले हैं, जिसके कारण 20 से 25 फरवरी के बीच आप लोग को मिस्ट्रॉप तो डाला जाएगा, लेकिन भाई काफी टाइम के लिए आप लोग को मिस्ट्रॉप इस बार भी देखने मिलने वाला है। एटलीस्ट हो सके तो 15 दिनों तक मिस्ट्रॉप चलने वाला हमारे गेम। इवेंट का पीरियड बढ़ाने का सबसे बड़ा रीजन है कि लोग काफी कम टॉप अप कर रहे हैं, लेकिन यार जो बंडल एंड गन स्किन पे फ्री फायर का पैसा खर्च हुआ है, यार गिरना सोच रहा है कि कुछ तरह से रिकवर कर लिया जाए, तो भाई इसलिए ही इवेंट का जितने सारे डेटा है आप लोग को ज्यादा देखने मिलने वाला है। और भी काफी सारे इवेंट आने वाले हैं आप लोग को गेम के अंदर। देखो जो हमारा इवो फेमस आने वाला है जिससे भी रिलेटेड एक इवेंट स्टार्ट हो जाएगा हमारे गेम, जिसमें आप लोग को कुछ रिवार्ड मिलने वाले हैं। तो और भी डिटेल्स आप लोग को मिलने वाले आने वाले कल के वीडियो में, तो भाई उसके लिए बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन पे सेट करके रख लीजिएगा। ऐसे जो अपडेट है आपका भी पर डे आपके लिए लाता रहता है। बात करें फ्री फायर मैक्स के बारे में, तो भाई देखो फ्री फायर मैक्स बैन नहीं होने वाला है, डोंट वरी सारी चीजें वैसे ही चलने वाला है। फ्री फायर भी अब यहाँ पे ब्लॉक हुआ है, सिर्फ यार बैन वगैरह कुछ भी नहीं किया जाएगा, तो बस गेम को एंजॉय करो, ज्यादा आपको टेंशन मत लेना क्योंकि एग्जाम का भी टाइम आप सभी का आ चुका है। ऐसे कितने सारे लोगों के एग्जाम है भाई मुझे कमेंट में जरूर से बता दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, सभी को गुड नाइट।